डांस करेंगे और फुल और मस्ती और एंजॉय करने वाले हैं। सो आई एम श्योर आप सब लोग अपने एनर्जी लेवल्स लेकर आए हैं कि नहीं? ओके, जो लोग अपने एनर्जी लेवल्स साथ में लेकर आए हैं प्लीज हाथ ऊपर कर लीजिए, जैसे कि सर ने किया है। क्यों ऐसा क्यों हमेशा होता है कि फर्स्ट बेंचर्स के पास ही एनर्जी होती है और पीछे वालों के पास एनर्जी नहीं होती है? ओके सर, दोनों हाथ ऊपर करके कह रहे मैं फुल एनर्जी के साथ आया हूं। लिपि, एवरीबॉडी इन द ऑडियंस, जो लोग एनर्जी लेकर आए हाथ ऊपर कीजिए, कम ऑन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब स्टेज पर पहले परफॉर्मर्स आने वाले हैं जो एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस है, और मैं उनको स्टेज पे बुलाऊं उससे पहले मैं बताऊं कि नीरव की जो मम्मी जी हैं, उन्होंने जब निकिता को पहली बार देखा था तो उन्होंने चार लाइनें कही थी जो उन्होंने मुझे आज सुबह बताई थी, और वो मैं उनके बिहाफ पे कहना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो उनके लिए तालियां बजाइएगा, मेरे लिए नहीं। वो कहती है, उन्होंने जैसे ही निकिता को देखा था पहली बार, उन्होंने कहा, निकिता तुम जब भी इस घर में आना ढेर सारी खुशियां लाना, हर चेहरे पर हंसी सजाना और हर आंगन में फूल खिलाना। मैंने ये सुना और मुझे तो लगा क्या बात है, मतलब कितना अच्छा लिखती है। आपको अच्छा लगा कि नहीं? वाओ, मुझे लगता है बहुत ही टैलेंटेड फैमिली है, और अब वो यहाँ आके डांस भी करने वाले हैं, क्योंकि एज अ मदर इन लॉ, एक सास के रूप में वो बहुत एक्साइटेड है अपनी बहू को इस परिवार में वेलकम करने के लिए, और उनको ज्वाइन करने वाले हैं नीरव जी की चाची और बुआ। सो मम्मी जी, चाची जी, बुआ जी यहाँ आने वाले हैं, और वो लोग बहुत एक्साइटेड है। कब से मुझे पूछ रहे थे बैक स्टेज के, अच्छा आप कब जाना है, कब मौका आएगा? मैंने कहा अरे रुकिए, आपके ऑडियंस को तो रेडी होने दीजिए। सो आई एम श्योर ऑडियंस तैयार है, हमारा स्टेज तैयार है और हमारे परफॉर्मर्स भी तैयार है। तो आज की शाम की पहली